अभिषेक शर्मा की बात, उफ, लाइक दिस मैन इज समथिंग आई एम गोना से लीडल, जिसको कहते हैं ना लीडल बंदा। अगर आपको लग रहा है कि अभिषेक शर्मा की सेंचुरी 40 बॉलों पे आप सपना देख रहे हैं तो आप गलत हैं, जाग जाइए, आप सपना नहीं देख रहे, ये बिल्कुल तथ्य है। ये बिल्कुल तथ्य है कि आज जो है अभितिक तर्मा ने जो है सेंचुरी मारी है भाई, बोलते हुए भी जुबान कतरा गई। देखो यार, कल का मैच हिंदुस्तान हारी, हम तो इतना सीरियस नहीं लिए थे इस मैच को। बाद में मैंने मीडिया देखा तो पाकिस्तान तो सीरियस में हंस रहा है भाई, पाकिस्तान तो सीरियसली हिंदुस्तान की टीम का मजाक उड़ा रहा है, इन बच्चों का मजाक उड़ा रहा है। अभिषेक शर्मा का नाम तो आपने सुना होगा और काम अभिषेक शर्मा का आपने IPL में भी देखा था, और आज जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे T20 मैच में अभिषेक शर्मा की बैटिंग तो आपने देख ली होगी। ओए होए होए होए, क्या कमाल की और लाजवाब किस्म की बैटिंग, 46 बॉलों पे सेंचुरी बना दी, अपने दूसरे ही इंटरनेशनल मैच में 46 बॉलों पे सेंचुरी बना दी जनाब ने, 7 चौके 8 छक्के, 212 का स्ट्राइक रेट यार। शाबाश इंडिया के युवा खिलाड़ियों, मान गए आप लोगों को यार, आपने तो पहले T20 में हारने के बाद इस तरह से कमबैक किया भाई, मान गए यार, इतने तगड़े युवा खिलाड़ी यार। अभिषेक शर्मा 47 बॉल पे 100 रन यार, हम समझ रहे थे IPL की नन्ही मुन्नी परियां हैं, IPL के फ्लैट ट्रैक पे खेले हुए बच्चे हैं, जिम्बाब्वे में नहीं चलने वाले हैं, जिम्बाब्वे के स्लो ट्रैक हैं, लो ट्रैक हैं, अनइवन बाउंस है, ये नहीं चलने वाले इंडिया के बच्चे और बिग बैकअप कॉल और आई ओपनर फॉर इंडिया। बट भाई मतलब क्या कमाल किया यार, मतलब कमाल ही कर दिया आपने यार। अभिषेक शर्मा स्पेशली धागा खोल के रख दिया यार आपने, मतलब के इतना मारा आसान नहीं होता यार। अपने डेब्यू मैच में 100 रन, अपने डेब्यू मैच में 0 पे जाना और फिर उसके बाद आके 100 रन करना इस तरह के प्रेशर सिचुएशन पे, ये मैं चाह रहा था इंडिया के युवा खिलाड़ियों से यार, इस तरह की बारी चाह रहा था, इस तरह का करैक्टर चाह रहा था, इस तरह का एटीट्यूड चाह रहा था कि भाई आप इस तरह की बारी खेलो, और उसके साथ जो साथ निभाया ऋतुराज गायकोड़ ने, कमाल यार। 47 बॉलों पर 100 रन की पारी जब अभिषेक शर्मा ने खेली तो मानो उन्होंने इंडियन फैंस से कहा हो कि बाबू ओपनर तो शर्मा जी का लड़का ही रहेगा। ये अलग बात है, पहले रोहित शर्मा था, अब अभिषेक शर्मा है, लेकिन ओपनर शर्मा जी का लड़का। कमाल का प्लेयर यार, मतलब छक्के से इसने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की, पहला 50 छक्के से मारा और शतक की जब बारी आई तब भी छक्के से ही ये पूरा किया। अभिषेक शर्मा ने मानो ये कह दिया हो कि मेरा इंटेंट बहुत क्लियर है कि क्रिकेट किस तरह से खेली जाएगी और अब T20 क्रिकेट कैसे होगी। अब शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, साई सुदर्शन, ईशान किशन या बाकी जितने खिलाड़ी हैं वो आपस में तय कर लें कि मेरे साथ ओपनिंग करने कौन आएंगे। जयसवाल को भी मैसेज है कि बाबू तुम 170 के स्ट्राइक रेट पे खेलते थे, हम 200 प्लस वाले, अब तुम भी जोर लगाओ नहीं तो ओपनिंग पक्की नहीं है। क्योंकि अभिषेक शर्मा ने पहली 33 गेंदों पर 50 रन ठोके थे, लेकिन अगली 13 गेंदों पर जब उन्होंने 50 रन ठोके तो सारी दुनिया को यह मैसेज गया कि यार केवल IPL की पाटापिश तक अभिषेक शर्मा का टैलेंट सीमित नहीं है। आप याद कीजिए, IPL में अभिषेक शर्मा ने 16 गेंद पे, 18 गेंद पे, 19 गेंद पे, 21 गेंद पे ऐसे अर्धशतक लगाए तो लोग कह रहे थे कि ये पागलपन की इंतहा है। IPL में उनके नाम एक भी शतक नहीं था, लेकिन इस बार दूसरा 50 यानी 50 से 100 का फासला जो है वो 13 गेंदों में तय किया गया। और उससे भी हैरानी की बात यह कि अभिषेक शर्मा ने जो पहले 41 रन बनाए हैं वो 30 गेंदों में बनाए थे, उसके बाद डबल चौका छक्का चौका छक्का चौका डबल छक्का चौका डॉट छक्का 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 खत्म। 30 गेंदों पर 41 रन और 46 गेंदों पर 100 रन, दैट्स अभिषेक शर्मा फॉर यू। लिटरली ये एस्केलेशन जो है ये टीम इंडिया मिस कर रही थी रोहित शर्मा को, टीम इंडिया मिस कर रही थी शर्मा जी के लड़के को। और अभिषेक शर्मा ने मानो कह दिया कि यार एक शर्मा जी का लड़का रिटायर हुआ है तो दूसरा शर्मा जी का लड़का जो है वो अब यहां से क्रिकेट उठाने वाला है। अभिषेक शर्मा का ये सिर्फ दूसरा मैच था, लेकिन ये बताया उन्होंने कि वो एक सुपरस्टार, सुपर डुपर स्टार है। उनके कप्तान शुभमन गिल को भी आज लग रहा होगा कि यार इस तरह की पारी खेलने के बाद क्या उनकी जगह पक्की है, ये सवाल अपने आप में होगा क्योंकि 3 नंबर 4 नंबर पर सूर्या ऋषभ पंत की कहानी है
और एक नंबर के लिए आपके पास ऋतुराज भी है, साई सुदर्शन भी है, ईशान किशन भी है, यशस्वी जायसवाल भी है, शुभमन गिल भी है, मारम मार अभिषेक जैसे टैलेंट को आप नहीं हटा सकते। अभिषेक ने अपने दूसरे मैच में ही इंडिया के लिए चौथी फास्टेस्ट सेंचुरी रगड़ दी। सबसे फास्टेस्ट जो है वो शर्मा जी के लड़के के नाम है, रोहित शर्मा के नाम, 35 बॉलों पर। दूसरी फास्टेस्ट जो है वो सूर्य कुमार यादव के नाम है, 45 बॉल पे। तीसरी फास्टेस्ट जो है केएल राहुल के नाम का। दूसरे T20 का सिलसिला जारी और सारी है और इंडिया ने बोर्ड के ऊपर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हाईएस्ट रन जो है अपना लगा दिया है, 234 रन जो है वो बोर्ड के ऊपर इंडिया जो है इस वक्त लगा चुका है। क्या कमाल किस्म की जो है वो इनिंग्स खेली है, जिस प्लेयर्स के लिए मैं आपको कह रहा था कि इस प्लेयर को मैं देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, इस प्लेयर के लिए बहुत नजरें इसके ऊपर है मेरी, यानी कि अभिषेक शर्मा। मसला ये था कि जिस तरीके का इसने आईपीएल में खेला था, क्या ये इंटरनेशनल में उसको उस तरह से कन्वर्ट कर पाएगा, क्योंकि कल बड़ी बातें हो रही थी कि यार इंडिया की जो यंग लॉट है वो फेल हो चुकी है, इंडिया की यंग टीम जिम्बाब्वे से हार चुकी है। लेकिन मैंने कल एक बात कही थी और आप सबको बताओगे वो बात, मैंने ये बोला था यहाँ पर कि भाई इंडिया की जो यंग लॉट है वो कम बैक करना जानती है, और आप देखेंगे कि वो टैलेंटेड टीम है, वो टैलेंट अपना जो है वो आके दिखाएंगे कि वो किस तरह के टैलेंटेड है। और आज आप देख लेंगे अभिषेक शर्मा ने 47 बॉलों पे 100 मार दिया, डरा नहीं, घबराया नहीं, पाकिस्तानी साइम यूब की तरह की हरकत नहीं की कि यार मैं कल आउट हो गया हूं, आज मैं अपनी गेम को जो है मैं चेंज कर दूं, आज मैं जो है टुक टुक के ऊपर आ जाऊं। इवन एक कैच भी इसका अभिषेक शर्मा का घिरा, लेकिन क्या कमाल किस्म का यार इस अभिषेक शर्मा ने जो है आज खेला है, दिल जीत लिए इसने और इंडिया को एक और स्टार मिल गया। और ऐसा मैंने तो तब जाके कहा कि यार ये आखिर पाकिस्तान को हो क्या गया है, एक तो ये सीरीज खत्म नहीं है, पहला मैच था, दूसरी बात ये वो प्लेयर है जो पहली बार अपनी जिंदगी में इंटरनेशनल जो है लेवल पे खेल रहे हैं। अब वो कल जो है नहीं चले तो भाई पूरा पाकिस्तान बोले हा 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 इंडिया हार गया, हा 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 इंडिया हार गया। भाई एक बात बताओ, लोग सीरीज क्यों खेलते हैं? लोग से मतलब यानी कि एक देश, एक क्रिकेट बोर्ड, एक क्रिकेट टीम वो सीरीज क्यों खेलती है? अपने प्लेयर्स को टेस्ट करने के लिए, अपने नए नए प्लेयर जो यंग जनरेशन आते हैं, नए प्लेयर आते हैं, अपने नए बॉलर, नए बैट्समैन, उनको टेस्ट करने के लिए। और फिर उनको टेस्ट क्यों किया जाता है ये भी ज़रा सुनिए, क्योंकि भाई वो जाकर आगे टीम में सिलेक्शन हो उनकी और फिर वो वर्ल्ड कप जीते। लेकिन भाई वर्ल्ड कप तो पहले से ही अपने घर में है, तो फिर क्या जो है वो प्लेयर टेस्टिंग और क्या भाई सीरीज जीत ये चीज़ पाकिस्तानियों को कल समझ में नहीं आई कि भाई लोग यहाँ पे सीरीज खेलते हैं, टीम सीरीज खेलती है मेहनत करने के लिए ताकि जो आगे जाके वर्ल्ड कप जीते। लेकिन वर्ल्ड कप तो पहले से ही घर में है भाई क्या पाकिस्तानी हिंदुस्तान की टीम का मजाक उड़ाते हुए तेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई वर्ल्ड कप पहले से उनके पास पड़ा हुआ है अगर नेक्स्ट वर्ल्ड कप की बात करो तो उसके लिए तो 2 साल पड़े हैं भाई। 2 साल में कौन जिंदा कौन मुर्दा, पाकिस्तान है नहीं है, नक्शे से मिल गया, कोई नया देश आ गया, हिंदुस्तान ने कब्जा कर लिया, अफगानिस्तान ने कर लिया, फिर जिम्बाब्वे है नहीं है, तो वो बड़ी दूर की बात है भाई एनीवे कॉन्ग्रेचुलेशन, वेल डन भाई अभिषेक शर्मा ने आज सेंचुरी दाग दी है, अपने दूसरे मैच में सेंचुरी दाग दी है। क्या पर्सनैलिटी है, मजा आता है यार इस बंदे को बैटिंग करते हुए ना, मजा आता है। स्पेशली इसको ब्लू में देख करना काफी ज्यादा इसकी जो है, कल बड़ा दिल टूटा था और आप लोगों से सीरीज से पहले ही मैंने कहा था कि भाई इस पूरे सीरीज में सारे प्लेयर एक तरफ अभिषेक शर्मा को देखना चाहता हूँ। कल जो पहला मैच था इंडिया की टीम, आपको मालूम है कि जिम्बाब्वे से आ रही, मैंने कल भी इस पे बात की थी कि यार चलें इसकी नेचुरल बैटिंग है, ये जो है वो खेलता ही ऐसे है, इसका स्टाइल ही है, लेकिन बाकियों को थोड़ा सा जो है विकेट रोक के खेलना चाहिए था। और आज अभिषेक शर्मा ने अपने पहला बॉल तो वाइड हुआ, उसके बाद अपने पहले बॉल पर आके छक्का लगाया, और वो जो शुरुआत थी ना उसके बाद जो एंडिंग हुई है ना, यकीन माने अनबिलीवेबल, इसको बोलते हैं यार अनबिलीवेबल बैटिंग। आप देखें कि 50 की अपनी छक्का लगा के 50 कर दी, और जब सेंचुरी की 3 छक्के लगा के सेंचुरी कर दी, ये होती है फेयरलेस अप्रोच कि जब आप अपने लिए नहीं बल्कि टीम के लिए खेलते हैं। आज आप देखें 50 की इसने, तब हमारे जो है कुछ नकली किंग जो बने हुए हैं वो होते शायद जो है वो 10-12 बॉलें लेके वो 6 रन बनाती, यार 50 होने वाली है। जब सेंचुरी होती तो वो ये जो इसने 18 रन 3 बॉलों पर बनाए हैं वो शायद ये 18 रन 40 बॉलें खेल के बनाते,
और इस बंदे ने नहीं सोचा कि यार मैं जो है वो फिफ्थ सेंचुरी के करीब हूं, मैं आउट हो गया तो मेरी सेंचुरी वेस्ट हो जाएगी। नहीं, उठा के छक्का, तीन छक्के, पहले उससे पहले एक ही ओवर में जो है वो मायर्स को 28 रन लगा दिए, और इस ओवर में जिस ओवर में आउट हुआ तीन छक्के लगा के अपनी जो पहली इंटरनेशनल सेंचुरी जो मुकम्मल कर लिया है। कई खिलाड़ी 30-30, 40-40 मैचेस खेलने के बाद सेंचुरी नहीं बना पाते हैं। T20 में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पूरे पूरे कैरियर 10-10, 12-12 साल के कैरियर एंड हो जाते हैं, वो सेंचुरी नहीं बना पाते हैं। और अभिषेक शर्मा ने अपने दूसरे मैच में सेंचुरी बना दी है, और यकीन माने इस लड़के की जो अप्रोच है वो देख के दो लोगों की मुझे याद आती है। एक मुझे युवराज सिंह की याद आती है, वैसे इसके मेंटोर भी जो है युवराज सिंह हैं, ठीक है, उन्हीं की तरह ये खेलता है, बिल्कुल जो है वो बगैर किसी डर के, बगैर किसी झिझक के, और बॉलर्स को चकना चूर कर देने वाला काम ये करता है, ठीक है। और साथ में रोहित शर्मा की तरह दिलेराना बैटिंग करता है ये। इंडिया को आप ये कह सकते हैं रोहित शर्मा की जो रिप्लेसमेंट है ना वो मिल चुकी है। बेशक ये जिम्बाब्वे की टीम है, बहुत बड़ी कोई टीम नहीं है, लेकिन हमने ये देखा है कि इसने IPL में बड़े बड़े बॉलर्स को जो है वो पसीना पसीना कर दिया था। IPL में इसने बड़े बड़े बॉलर्स को, वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को ओवर में 2-2, 3-3 छक्के बड़े आराम के साथ मारे हैं। तो ये कोई नहीं कह सकता कि ये जिम्बाब्वे को सिर्फ मारा है, IPL में ये धुलाई करके बॉलर्स की जो इंडिया की मैन टीम में सेलेक्ट हुआ है। तो कम अज कम रोहित शर्मा, दर्शन भी है, ईशान किशन भी है, यशस्वी जायसवाल भी है, शुभमन गिल भी है, मारम्मार अभिषेक जैसे टैलेंट को आप नहीं हटा सकते। अभिषेक ने अपने दूसरे मैच में ही इंडिया के लिए चौथी फास्टेस्ट सेंचुरी रगड़ दी। सबसे फास्टेस्ट जो है वो शर्मा जी के लड़के के नाम है, रोहित शर्मा के नाम, 35 बॉलों पर। दूसरी फास्टेस्ट जो है वो सूर्य कुमार यादव के नाम है, 45 बॉल पे। तीसरी फास्टेस्ट जो है KL राहुल के नाम है, वेस्ट इंडीज के सामने मारी थी। लेकिन चौथी फास्टेस्ट जो है, जो कि तीसरी की इक्वल ही है, 46 बॉल पे KL राहुल की तरह, वो इनके नाम। एंड दैट इज सम सीरियस टैलेंट जो अभिषेक शर्मा ने दिखाया है कि वो आगे आने वाले सालों में टीम इंडिया को कैसे एंटरटेन करेंगे। अभिषेक की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो था सेल्फलेस पारी। 43 बॉलों पर 82 रन बनाकर वो खेल रहे थे, और अगली तीन गेंदों पर तीन छक्के और शतक। आई मीन दैट वॉज क्रेजी। आपका इंटेंट क्लियर है कि आप पर्सनल माइलस्टोन के लिए नहीं आए, आप यहां पर एक इंपैक्ट छोड़ने आए हैं कि क्रिकेट खेली कैसे जाती है। और वो इंटेंट अभिषेक शर्मा ने जब दिखाया तो सारी दुनिया ने सर झुकाकर कहा कि ही इज द नेक्स्ट सुपरस्टार, रिमेंबर द नेम अभिषेक शर्मा। वो खिलाड़ी जिसे युवराज सिंह ने मेंटोर किया था, वो खिलाड़ी जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में तीन छक्के जब लगातार मारकर शतक पूरा किया, जिसने छक्के से शुरुआत की, छक्के से अर्धशतक किया और छक्के शतक पूरा किया, तो इंडिया के सबसे बड़े सिक्सर किंग युवराज सिंह को मानो अपनी तरफ से गुरुदक्षिणा दे दी। 46 गेंदों पर शतक, 7 चौके 8 छक्के, एक ऐसी पारी जिसे लोग याद रखें कि यार डेब्यू के बाद, डेब्यू भले ही फ्लॉप गया था, डेब्यू उनका शुरुआत अच्छा नहीं रही थी, बट उस डेब्यू के बाद दूसरे मौके कैसे भुराना है वो आप अभिषेक शर्मा सीख सकते हैं। बार बार मैं कह रहा हूं कि अभिषेक की एक पारी ने शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, साई सुदर्शन, ऋतुराज गायकवाड़, इन सब के सामने मुसीबतें पैदा कर दी है, क्योंकि कहानी जिम्बाब्वे सीरीज तक की नहीं है, इसके बाद जो सीरीज होगी उसमें सूर्या, ऋषभ लौटेंगे और 3 और 4 नंबर की जगह भर जाएगी, और इन 5 खिलाड़ियों में से किसी एक खिलाड़ी को मौका मिलेगा वो अभिषेक के साथ ओपन करे, चाहे वो शुभमन हो, जायसवाल हो, ईशान हो, साई सुदर्शन हो या ऋतुराज गायकवाड़ हो। दैट्स प्रॉपर बात किया गया यार, शर्जील पाकिस्तान में होना चाहिए यार, मतलब हमारा दिल करता है कि यार ऐसा टैलेंट पाकिस्तान में भी आए, जो इंडिया के पास ये टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है कि इतनी अच्छी इनके बैटिंग स्किल्स हैं, इतने जबरदस्त ये छक्के हैं, पता नहीं पाकिस्तान में क्या मसला है कि जो आता है डिफेंसिव ही आता है, जो आता है टुक 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 अपने ही खेलने के लिए आता है, पता नहीं क्या मसला है पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक बात ये कर रहे हैं कि हमारा एक माइंडसेट ही डिफेंसिव हो चुका है। अगर आप अपनी बात करते हो तो हम एक डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं। की केस भी ऐसा नहीं खेल सकते, यकीन करें। हमारे ये फैंस की भी गलती है कि हमने सो कॉल्ड बाबर रिजवान को अपना हीरो बनाया है। इंडिया के अगेंस्ट वो हम जब जीते थे 2021 का T20 वर्ल्ड कप का इंडिया के साथ 10 विकेट से, वो जीत ये हमारे लिए जिंदगी भर की एक जलालत बन चुकी है, क्योंकि उस जीत के बाद हमारी क्रिकेट बर्बाद हो गई है। सही बात, वो जीत तो गए लेकिन उसके बाद हमारी जो क्रिकेट है वो बिल्कुल फारे हो गई है, और हम इतनी बेकार क्रिकेट खेले हैं उसके बाद से कि आपके सामने है पाकिस्तान क्या कर रहा है। लेकिन अली साहब आप जो भी कहो, अभिषेक शर्मा के अंदर दम है, वो दम है कि वो दुनियाई क्रिकेट में
अपना नाम बनाएगा और उसने अपना अराइवल जिस तरह से डेब्यू में जीरो पर आउट हुआ, लेकिन उसके बाद सम स्टफ बाय अभिषेक शर्मा। अभिषेक ने कारनामा एसआरएच के लिए भी किया था, 16 बॉल पे अर्धशतक लगाया था, 19 पे लगाया था, 21 पे लगाया था, लेकिन आज दूसरा अर्धशतक 13 बॉलों पे था। ये पारी लोग याद रखेंगे, 46 बॉल पे 100 रन। बार बार मैं कह रहा हूं, एक अपॉर्चुनिटी जिसे इंटरनेशनल क्रिकेट में याद रखा जाएगा, एक क्रेजी परफॉर्मेंस दूसरे T20 मैच में जो स्टेटमेंट देती है कि एक नया सुपरस्टार इंडिया को मिलने वाला है। सीरीज में हम पीछे चल रहे थे, प्रेशर था, शुरू में रन नहीं बन रहे थे, 30 बॉलों पे 40 रन थे, सिंगल डबल थे, लेकिन उसके बाद मैच पलटना शुरू कर दिया। पहले एक ओवर में 28 मारे, फिर चौके छक्के लगाए और उसके बाद शर्मा जी के लड़के ने कहानी पलट दी। ये बताया कि पिछले मैच में जो जीरो पर आउट हुए थे उस एक मैच से जज मत किया जाए। ये नया दिन है, नई कहानी है और नई कहानी के दिन नया इतिहास है। अभिषेक, MS धोनी, युवराज सिंह जैसे खिलाड़ियों को आइडलाइज करते हैं, रोहित शर्मा जैसे छक्के मारने की बात करते हैं और आज इन सबको इन पर गुरूर होगा। युवराज सिंह के साथ काफी काम किया था, लेट्स जस्ट होप कि अभिषेक इंडिया के लिए वो करके दिखाएं जो उनके मेंटोर युवराज या उनके आइडल रोहित, विराट और धोनी जैसे खिलाड़ी किया करते थे। अभिषेक ने IPL में किया था, 16 मैचेस में 484 रन, 32 का एवरेज, 204 का स्ट्राइक रेट, दुनिया पागल दीवानी हो गई थी। इंडियन बैट्समैन पहला जिसने 42 छक्के मारे थे, इस एक मैच में 8 छक्के मार दिए। लेट्स जस्ट होप कि ये जलवा इंटरनेशनल क्रिकेट में जला और आप रिमेंबर द नेम अभिषेक शर्मा। लेकिन कल हुआ नहीं, आज उसने करके दिखाया, कल का खाता आज खोला है और कल की जो है जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आज, मेरे को लगता है कि ये पूरी टीम आज जो है वो नुकसान का भरपाई करेगी और मेरे को लगता है कि जिम्बाब्वे के बुरे दिन स्टार्ट हो चुके हैं अब। और कल बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे, ये प्लेयर ये करना है वो करना है। देखो यार, हम एक वीडियो बना के हंसे थे आप लोगों का मूड फ्रेश करने के लिए, क्योंकि भाई ये इस मैच को बाखुदा हमने इतना सीरियस नहीं लिया था, इस सीरीज को इतना सीरियस नहीं लिया था जितना लोग इसको सीरियस ले रहे थे। इस वजह से हम भी थोड़ा बहुत हंस गए, मैंने कहा यार मैच है तो क्या हुआ, क्योंकि वो वर्ल्ड कप की खुशी दिमाग में पड़ी हुई थी जो जीत गए हैं। तो फिर यार इस सीरीज में पहला मैच ये तो, और आपको एक बात बताऊं, ये पहला मैच है, अभी बहुत मैचेस हारने हैं। बताओ अगर ये जीतते जाएंगे तो इनको अपनी गलतियों का एहसास होगा? कभी भी नहीं होगा। ये हारेंगे तब जाके इनको अपनी गलतियों का एहसास होगा कि हाँ यार हमने, हमसे यहां कोताही हुई है, यहां से गलती हुई है, इसको ठीक करना पड़ेगा। और जो है हमेशा हारने से ही सीखने को मिलता है, जीतने से कुछ नहीं मिलता। जीत से क्या होता है, जीत जाते हो आप, निकल जाते हो, क्या सीखोगे? बोलो यार मैं तो खुद सीखा सिखाया बंदा हूं, मैं तो लोगों को सिखाऊंगा मैं क्या। लेकिन जब हार होती है तब आप सीखते हो। वेल डन, वेल डन। आज जो है काफी बढ़िया तरीके से जो है आज जिम्बाब्वे की यहाँ पे कुटाई हो रही है, काफी बढ़िया जो है यहाँ पर बैटिंग और जो है स्टार्टिंग दिया है आज इंडिया की टीम ने। यहाँ पे आपको फिर रिपीट करके बताऊं भाई, ये जो टीम गई है ना, इनके हार और जीत पे ना जाएं कि ये कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। जिम्बाब्वे के लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो जीत जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदुस्तान की टीम के लिए यहाँ जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। ये है अभिषेक शर्मा, पहले ही अपना पहले मैच में तो जीरो पर आउट हो गया था और आज जो उसने करके दिखाया है सबको हैरान किया है भाई, शॉक कर दिया, हैरान कर दिया, बिल्कुल शॉक कर दिया। अभिषेक ने सबको हिला के रख दिया और छक्के यार, 23 साल का ये लड़का है लेकिन जब खेलता है तो लगता है कि सबकी बस आंखों और सबको बस हैरान कर देता है। लाजवाब खिलाड़ी है यार, कमाल खिलाड़ी है। साथ रिंकू, और भाई रिंकू ने तो जो हमें पता ही है वो क्या करता है, 5 छक्के 22 गेंदों पे 48 लाजवाब बैटिंग किया यार। अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह और फिर ऋतुराज गायकवाड़, ऐसा लग रहा है कि इंडियन यंगस्टर्स गुस्से में आए हैं और कमाल ताबड़तोड़ नॉक्स खेली है। नहीं, बहुत कमाल किस्म को। और सबसे मजे की बात यह थी कि एंड में उस बंदे ने सेंचुरी की है तो यह पता चला है कि जीरो फेयर जो है उसकी आंखों में था, 3 छक्कों के साथ उसने सेंचुरी की है, उधर छक्का उधर छक्का पीछे छक्का, 3 छक्के मारकर उस बंदे ने सेंचुरी कंप्लीट किया है। भाई इंडिया का जो यंग टैलेंट है ना
वो एक नेक्स्ट लेवल टैलेंट है। ठीक है मैच कभी कभार इंसान हार जाता है, हम तो अपनी मेन टीम से जिम्बाब्वे से हारते रहे हैं, वो तो चलो फिर बी टीम थी। ये कहते ना कि बी टीम को आप खिलाए यार, इंडिया जैसा कॉन्फिडेंस कैसे लाएंगे? इंडिया जैसा कॉन्फिडेंस मेन चीज होती है। हमने पाकिस्तान में बड़ी आवाज उठाई साहिम अयूब को लेकर, हमने सबसे ज्यादा हम दोनों वो थे जो साहिम अयूब के लिए यहां पर पाकिस्तान में बात करते थे। सबसे ज्यादा हमें पाकिस्तान में सुना जाता है कि हमने साहिम अयूब कर करके यार साहिम अयूब करेगा। और उसने हमें सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया साहिम अयूब ने कि उसने वो डिफेंसिव क्रिकेट खेलना शुरू कर दी, उसने बाबर रिजवान के लिए दरवाजे खोल दिए। लेकिन एक तरफ अभिषेक शर्मा है कि अभी कल ये बंदा फेल हुआ और कल सारी इंडियन टीम के ऊपर ब्लेम किया गया कि भाई ये यंग टीम नहीं कुछ कर रही, ये यंग टीम फारिग हो चुकी है, ये इंडिया की चैंपियन टीम है जो जिम्बाब्वे से जो है वो हारी है। हमने भी बात की इसके ऊपर कि यार जिम्बाब्वे ने अच्छी क्रिकेट खेली है, जिम्बाब्वे इंडिया से जीत चुका है, जिम्बाब्वे इंडिया से ले गया है। लेकिन आज फिर से आए वो और उन्होंने ये जो फेलियर है उसको एक सक्सेस में कन्वर्ट किया, ना सिर्फ सक्सेस में कन्वर्ट किया बल्कि अपनी नेचुरल गेम को चेंज नहीं किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अभिषेक शर्मा की जो नेचुरल गेम है उसको उसने कोई चेंज नहीं किया, उसने गेयर में बढ़ावा ही दिया है, गेयर में कोई कमी वो नहीं लेकर आया। और जिस तरह के उसने छक्के मारे हैं यार मजा आ गया। और ये मुश्किल विकेट था, पहले 9 ओवर तक गेम फंसा हुआ था जहां पे उसका कैच भी छूट गया, लेकिन इस मुश्किल विकेट के ऊपर जब उसने बल्ला खोला है तो फिर उसने ये बता दिया है कि हम गेम को अवे लेके जा सकते हैं, हम गेम को दूर लेके जा सकते हैं। ये प्लेयर्स टी20 में फर्क डालते हैं, जो थोड़ा सा भी लंबा खेल दे तो गेम आगे चली जाएगा। नहीं वाकई हैरान कर दिया, 24 घंटे का डिफरेंस था, 24 घंटे टोटल गुजरे उस बात को जब ये इंडियन यंग टीम 115 रन चेज नहीं कर सकी थी। लेकिन आज उस 24 घंटे के बाद अली साहब एक बात तो माननी पड़ेगी आपको कि जो आईपीएल का जो टैलेंट है ट्रेविस हेड के साथ ये खेलता था अभिषेक शर्मा। हाँ, बिल्कुल ट्रेविस हेड के साथ ये बंदा बल्लेबाजी करता था, कैसे मारता था। और भाई इस बात में कोई शक नहीं है कि ये जो एक हीरा है अभिषेक शर्मा, ये फ्यूचर में वो कुछ करके दिखाने वाला है कि वर्ल्ड दुनिया भर पूरी दुनिया इस टैलेंट इस हीरे के ऊपर आप कह लो कि प्राउड करेगी। ये इंडिया नहीं बल्कि ऐसा लग रहा है कि दुनिया का ये स्टार बनेगा। एक रोहित शर्मा जो है वो ओपनिंग से गया है जिसने तोड़ फोड़ करके रखी हुई थी, और ऐसा लग रहा है कि अभिषेक शर्मा लगता है कि आ गया भाई, इसके बड़ा मुश्किल हो जाएगा लाजवाब इंडियन टीम के अंदर। अगर ओपनिंग स्टार्ट हो गई जसवाल की और अभिषेक शर्मा की और दोनों में से एक भी बंदे ने जो है वो बैटिंग करके दिखा दी, दोनों में से एक भी बंदे ने बैटिंग करके दिखा दी तो इंडिया फार अवे चला जाएगा। कसम से यकीन करें कि दिल करता है कि पाकिस्तान के पास ऐसे ओपनर हो। कल शर्जील खान ने नहीं नजर आ रही थी, ऐसा लग रहा था इनके अंदर एटीट्यूड है और जो के था भी पहले टी20 में लग रहा था कि भाई ये थोड़ा मतलब कि डीले डाले हुए हुआ है, इन्हें लग रहा है जिम्बाब्वे खुद ही हार जाएगा। अब इन्होंने ये जो किया इन्हें ये खुद जिम्बाब्वे को मारा है। अब जिम्बाब्वे ने बुरी बॉलिंग नहीं की, एक होता है ना छोटी टीम है बुरी बॉलिंग कराए तो फिर आपको बहुत सारे फ्रीबीज मिल जाए। भाई जिम्बाब्वे को सूट करता है, वही पिच है, वही ट्रैक है, वही सिकंदर रजा है, वही मुजराबानी है, बट आप उनकी ऐसी धोती खोल रहे हो, ऐसी धोती खोल कि भाई मजा आ रहा है और देखने लायक बैटिंग लग रही है यार। एक हमारा सेम अयूब है, 5 बॉल में 7 मारता है, 1 छक्का मारता है, 9 लोग शॉट आउट हो जाता है। और सेम अयूब और 9 लोग शॉट और पाकिस्तान के सही दिनभर, ये देख ले यार अभिषेक शर्मा से सीखो यार। अभिषेक शर्मा के लिटरली पांव के नीचे से गुजरना चाहिए सेम अयूब को कि भाई इस तरह से क्रिकेट खेली जाती है यार। सेम अयूब कहां, अभिषेक शर्मा कहां? इंडिया के जंक्शन में और पाकिस्तान के जंक्शन में आप फर्क चेक करो। 350 किलो का गेंडा हाथी आजम खान कहां, और आप यार रतुराज गायकोड को देखो वो कहां, फिर आप रिंकू सिंह को देखो और पाकिस्तान के चाचा इफ्तिहार फिनिशर को देखो और हमारे हुजदिल शाह को देखो। भाई इंडिया के छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे वो भी पाकिस्तान के मेन प्रॉपर साइड से इतने ज्यादा एक्सपीरियंस है, इतने मैच्योर हैं। भाई ऐसी बारी बाबर आजम खेल सकते हैं मुझे बताओ? हम सर पे उठाते हैं हमारा बबजी द किंग, तू हमारा किंग है, तू बाबर है, दिलों का बादशाह, वो भी बादशाह। अरे भाई ये जो अभिषेक ने किया ये कर सकता है मुझे बताओ? अभी जसवाल नहीं है, संजू सैमसन नहीं है, ये कर सकता है? रतुराज गायकोड़ ने जो किया है वो कर सकता है? रिंकू तो चलो फिनिशर है ना, फिर लोग कहते हैं बाबर टॉप ऑर्डर में खेलता है, नीचे वाले नीचे खेलते हैं, ऊपर वालों के साथ फिनिश करो। तो भाई ऊपर वालों के साथ फिनिश करके देख लो यार। और लड़कों ने कमबैक कैसा किया है? पहला टी20 हारे, बुरी क्रिकेट खेले, थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाया, हार गए, कोई मसला नहीं है, उससे सीख के कैसा कमबैक किया है? एक हमारी टीम है बार बार हार रही है,
हार रही है बट वो कम बैक नहीं कर रही, उसको सीखना नहीं आता, उसकी स्किल्स नहीं है। देखो अभिषेक शर्मा की स्किल्स थी तो उसने रन्स किए हैं, ऋतुराज गायकोड़ की स्किल्स थी तो उसने रन्स किए हैं। यही जिम्बाब्वे पाकिस्तान को हरा देता है, टफ टाइम देता है। बाबर आजम जिम्बाब्वे के खिलाफ भी इस तरह की बैटिंग नहीं कर पाता, और इंडिया के आप युवा खिलाड़ियों को